सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो मुझे वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊँगी सर। अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को आपने कई बार सुना होगा, जहां वो भारत में और अपने साथी सचिन के साथ रहने की गुहार लगाती दिखती हैं। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं भारत में? भारत में। भारत में किसके साथ रहना चाहती हैं? सचिन के साथ, मैं इनकी पत्नी हूँ, बाकी कोरट की शादी रहती है, हम एक दो दिनों में कर लेंगे और मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आपके पति जो है वो उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल लें, हमारी जरूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब जरूरत है, वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ, जैसे रखेंगे जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूँगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। लेकिन अब सीमा हैदर की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस से सीमा हैदर पर रिपोर्ट मांगी है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से नेपाल होते हुए नोएडा पहुंची थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसियां सीमा हैदर के बारे में सतर्क हो गई हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसियों ने SSB और UP पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वह बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों द्वारा वेरिफिकेशन किए बिना सीमा पार करने में कैसे कामयाब रही। साथ ही UP पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि वो UP बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और अपने साथी के साथ रुकी थी। सीमा हैदर के भारत में आने के बाद इतने चर्चे थे कि उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे थे। यहाँ हम लोग जो देखने आए थे सीमा हैदर को, ये पाकिस्तान से आई हुई है, तो हम यही बच्चे हैं हमारे और ये बोले कि चलो देखने चल रहे हैं, तो अलीगढ़ से आए हम लोग। जी बारिश, हाँ बारिश, जी जी। क्या कुछ मन में चल रहा था? मन में यही था कि मतलब जैसे ज़्यादा जो ये चल रहा था ट्रेंडिंग में, तो बच्चे काफ़ी उत्सुक थे कि हमें मिलना है, बस हमें मिलवा कर। मैं वाइफ है मेरी, दो बच्चे हैं, तो जानकारी कैसे मिली? जानकारी हमें ANI चैनल के द्वारा, हम देख रहे थे फेसबुक पे चैनल जो न्यूज़ चैनल, तो उसके माध्यम से हमें पता चला कि जी बिल्कुल। हाँ बातें भी, नाम वाम पूछा उन्होंने, पूछा कहाँ से आए हो, पूछने लगे हिंदू हो मुस्लिम हो, तो हमने बताया हिंदू हैं हम लोग, तो काफ़ी वो भी खुश थे और हम भी खुश थे, और फोटो वगैरह भी खिंचवाए हम लोगों ने। अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी सीमा हैदर को लेकर सतर्क हो गई है। इससे पहले सीमा को अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के तहत पुलिस को सूचित किए बिना भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उसे अपना वर्तमान पता बदलने की स्थिति में अदालत को सूचित करने के लिए भी कहा गया था। प्यार में पड़ने से पहले सीमा और सचिन की पहली बातचीत गेमिंग ऐप PUBG मोबाइल पर ही हुई थी। बाद में वो अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां सचिन रहता था।